इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद, जय जिनेन्द्र पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रतिक्रमण, मेरे व्रतों में लगे हुए दोष मिथ्या हो, इस प्रकार चिंतन करना, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रमण क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रमण है ध्यान, क्योंकि ध्यान के द्वारा समस्त कर्म पुंज नष्ट हो जाते हैं। जो भी गलतियां वगैरह हुई, सारे कर्म पुंज नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान उत्कृष्ट प्रतिक्रमण है। इसी बात को कुंद कुंद महाराज गाथा नंबर 87 पृष्ठ 83 पर कह रहे हैं। निकाल लीजिए और आइए हमारे साथ बोलिए। जान लीलो साहू परिचागम कुणै संवदोषाणम तम माधुझाणमेवै सर्वदिचारस्य परिकमणम। झाण माने ध्यान, निलीणो माने लीन, ध्यान में लीन जो साधु है वे परिचागम परित्याग कुणै माने करते हैं सब दोषों का। जो मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं, उनके ध्यान के प्रताप से समस्त दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान की तो महिमा ही अलग है। फिर देखें, ध्यान में लीन जो साधु हैं वे समस्त दोषों का परित्याग करते हैं। तम्मा इसलिए झाणम एव ही ध्यान ही समस्त अतिचारों का प्रतिक्रमण है। दोष लगते हैं व्रतों में, अतिचार लगते हैं, तो जो अतिचार लगते हैं उन अतिचारों का प्रतिक्रमण, उसकी शुद्धि कैसे हो? ध्यान करने से हो जाती है। क्योंकि ध्यान के द्वारा जो अशुभ कर्म सत्ता में रहने वाले होते हैं, सबका शुभ कर्म रूप या तो संक्रमण होता है या विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी, ध्यान में लीन साधु समस्त दोषों का प्रतिक्रमण कैसे करते हैं? मोक्ष के कारण दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वर्तमान में धर्म ध्यान तो होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो धर्म ध्यान में शुभोपयोग भी होता है और शुद्धोपयोग भी होता है। तो जो मुनि महाराज वर्तमान में धर्म ध्यान में लगे हैं और वे शुभोपयोग या शुद्धोपयोग में हैं, तो वे समस्त दोषों का त्याग कर देते हैं। जिस समय ध्यान में लीन होते हैं ना, उस समय सारे दोष उनसे दूर हो जाते हैं।
उनके मूल गुणों में, उनके चारित्र में कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? प्रवृत्ति रहित हैं, ध्यान में लीन हैं। प्रवृत्ति होती है तब दोष लगता है। चित्त भी उनका एकाग्रता को प्राप्त है, चित्त में बिल्कुल सिर्फ उस ध्यान के अलावा अन्य राग द्वेष आदि परिणाम है ही नहीं। अगर राग द्वेष आदि परिणाम है तब हम उनको ध्यान में लीन नहीं कहेंगे। तो ध्यान में लीन जो मुनि महाराज हैं, वे फिर मूल गुण उत्तर गुणों में लगने वाले जो दोष हैं उन सबको छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, उन सबसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि उस समय वे अपने आत्मा में लीन हैं, इसलिए राग द्वेष आदि और समस्त दोषों से दूर हैं। पंडित जी, वर्तमान में शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, फिर से दुरुपयोग कैसे हो जाएगा? शुक्ल ध्यान के चार भेदों में पहले जो दो शुक्ल ध्यान हैं, पृथक्त वितर्क और एकत्व वितर्क, ये तो नियम से शुद्ध उपयोग के साथ ही होते हैं। लेकिन जो धर्म ध्यान है ना, ये शुभ उपयोग में भी होता है और शुद्ध उपयोग में भी होता है। शुभ उपयोग में कैसे होता है? जो शुभ उपयोगी मुनि महाराज हैं वर्तमान में, उनके शुक्ल ध्यान तो संभव नहीं, लेकिन वर्तमान के मुनिराजों को भी यदा कदा शुद्ध उपयोग संभव है। जो मुनि महाराज बहुत अच्छी चर्या पालते हैं, उन मुनि महाराजों को जब भी वे अपनी आत्मा की एकाग्रता में ध्यान में लीन होते हैं तो कभी थोड़े बहुत समय के लिए शुद्ध उपयोग संभव है। किसी भी आचार्य ने ये तो नहीं लिखा कि शुद्ध उपयोग पंचम काल में नहीं होता, पर यह ज़रूर लिखा कि शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं होता। अब जब शुद्ध उपयोग होता है पंचम काल में और शुक्ल ध्यान होता नहीं, तब शुद्ध उपयोग धर्म ध्यान के साथ ही तो होगा। इसलिए धर्म ध्यान के साथ भी शुद्ध उपयोग बनने में आगम से कोई आपत्ति नहीं आती। और वर्तमान में शुद्ध उपयोग का अभाव हम नहीं कह सकते। किसी आचार्य ने पंचम काल में शुद्ध उपयोग का अभाव नहीं लिखा। इसलिए वर्तमान में ऐसे भी मुनि महाराज हो सकते हैं जिन्हें कभी यदा कदा शुद्ध उपयोग में विचरण करते समय उनको शुद्ध उपयोग का आनंद आया हो। पंडित जी, व्रतों में दोष लगने पर हमें क्या करना चाहिए? दोष दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। अगर सामान्य दोष लगे तब उसका जो प्रायश्चित या जो प्रतिक्रमण है वो तो निंदा गर्हा से ठीक हो जाता है। अगर स्वयं भी उसकी निंदा कर ले, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, तो उसका वह दोष हल्का हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा दोष लग जाए, जैसे मान लो किसी चीज़ को छोड़ा है और उसको खा लिया, मान लो आज कार चला रहे थे और कोई खरगोश या कोई बकरी का बच्चा उससे मर गया, या मान लो कोई महिला है और वो महिला एवोर्शन जैसा गलत कार्य कर बैठती है, तो इस दोष का निराकरण कैसे हो? इस दोष के निराकरण के लिए तो कोई मुनि महाराज हों, आचार्य हों या आरिका माता जी हों, उनके पास जाएं, अपना दोष बिल्कुल शुद्ध हृदय से उनको बता दें। दोष बताते समय मायाचारी नहीं होनी चाहिए। दोष बता दें, मैंने ये दोष इस प्रकार किया, मुझसे ये गलती इस प्रकार हो गई, आप मुझे प्रायश्चित दें ताकि मेरा ये दोष शुद्ध हो जाए। और जब वे मुनि महाराज उसका कोई प्रायश्चित दें, मान लो किसी ने अबॉर्शन कराया और मुनि महाराज ने कह दिया ठीक है जाओ 20 उपवास कर लेना, तो 20 उपवास करने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव और होना चाहिए। ओहो, 20 उपवास तो बड़े भारी, इससे तो मैं नहीं कहता तो अच्छा था, नहीं ऐसा नहीं कह के 20 उपवास का प्रायश्चित मिला, उस प्रायश्चित को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ओहो, प्रायश्चित मिल गया, अब तो मेरा ये सारा दोष पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा और मैं पवित्रता को प्राप्त होऊंगा, प्रसन्नता पूर्वक मैं इस प्रायश्चित को धारण करता हूँ। इस तरह करना चाहिए। सामान्य से बहुत से दोष लगते रहते हैं। मान लो अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाने का नियम है, और अष्टमी चतुर्दशी को अगर मान लो हरी कभी खाने में आ जाए तो क्या करें? भगवान के सामने जाके अपना दोष बताएं,
एक नमोकार मंत्र की माला जपें और कहें भगवान आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये भी प्रायश्चित तो होता है। व्रतकरण श्रावकाचार में पंडित सदा सुखदास जी ने इस तरह का भी प्रायश्चित लिखा है। इसलिए जैसा दोष वैसा प्रायश्चित, और जिन मुनि महाराज से आपने जो नियम लिया है अगर उसमें कोई कमी होती है तो उन्हीं मुनि महाराज के पास जाके अगर उसका प्रायश्चित लें तो बहुत अच्छा होता है। दोष हम सबके लगते हैं, हमें चाहिए शुद्ध मन से उसको प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि करके उसको शुद्धि कर लें ताकि आत्मा में अपवित्रता का प्रवेश ना हो पाए। किसी ने आचार्य कुंद कुंद महाराज से प्रश्न कर लिया होगा, महाराज वर्तमान में तो भरत क्षेत्र में दुखमा नाम का पंचम काल है, तो इस पंचम काल में धर्म ध्यान मुनियों को है या नहीं, भावलिंगी साधु होते भी हैं कि नहीं? तब आचार्य ने गाथा नंबर 88 पृष्ठ 84 लिखी, निकाल लीजिए देखते हैं। भरहे दुस्सम काले धम्म ज्ञानम हवे साहुस तम अपसहावठ दे रौमण्य शोभि अन्नानी। भरहे भरत क्षेत्र में दुस्सम काले दुखमा इस पंचम काल में धम्म ध्यानम धर्म ध्यान साहुस साधुओं के हवे होता है, तम वह धर्म ध्यान अपसहावठ दे आत्म स्वभाव में स्थित मुनियों के होता है। नहुमरणय जो इस प्रकार नहीं मानता है वह अज्ञानीय है। बहुत अच्छा विषय दिया, क्या लिख रहे हैं महाराज? भरत क्षेत्र में दुस्सम काले इस पंचम दुखमा नाम के काल में साहुस साधुओं को धर्म ध्यान होता है। किनके होता है धर्म ध्यान? वह धर्म ध्यान अपसहावठ दे आत्म स्वभाव में स्थित मुनि महाराजों के होता है। णुमरणय जो इस तरह नहीं मानता है वह अज्ञानीय है। आचार्य कुंद कुंद के सामने भी ऐसे लोग होंगे जो मुनियों को नहीं मानते होंगे, तो उन लोगों के लिए ये गाथा बहुत अच्छी लिखी और आज के परिवेश में भी ये गाथा बहुत उपयोगी है। इस तरह आत्म स्वभाव में स्थित मुनि महाराजों के धर्म ध्यान का समर्थन इस गाथा में किया गया। पंडित जी, जब इस पर्याय से मोक्ष ही प्राप्त नहीं हो सकता तो फिर धर्म ध्यान करने का क्या फायदा? हम मुनि बने, कष्ट भी भुगते हैं और मोक्ष होगा नहीं, फिर क्या फायदा? फिर तो मुनि बनना भी बेकार। नहीं नहीं, ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं। वर्तमान में जो जीव मुनि अवस्था धारण करके और अच्छी चर्या करके पूरा अपनी मनुष्य पर्याय को सफल बनाते हैं वे यहाँ से इस पर्याय को छोड़कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। सम्यक तो सहित जाते हैं तो स्वर्ग में जितनी उनको आयु मिलती है सम्यक तो सहित ही रहते हैं, और उसके कारण वहाँ भी भोगों की बहुलता होने पर भी भोगों में लिप्त नहीं होते और वे जल्दी ही दो तीन भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पर अगर हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करें और यहाँ भी हम चारित्र को धारण न करें, अचारित्री ही रहे हैं, तो पहली बात तो अगली गति का कोई ठिकाना नहीं, हम किस गति में जन्म लेंगे मालूम नहीं, कौन सी आयु बधेगी खबर नहीं, और यहाँ से मरण करके अगर मान लो देव पर्याय भी मिली तो वहाँ भी क्या करेंगे? सिर्फ भोगों को भोगेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए चाहे इस पर्याय से मोक्ष ना हो पर मोक्ष की मंजिल का रास्ता तो प्रारंभ कर लें, इस अपेक्षा से इस पर्याय में भी धर्म ध्यान या मुनिपना धारण करने में बहुत लाभ है, रंच मात्र नुकसान नहीं। पंडित जी, वर्तमान के समय सार के कुछ स्वाध्याय तो मुनिराज को नमस्कार नहीं करते, ऐसा क्यों? ये तो नियम है, जैसे गुरु होते हैं वैसे शिष्य होते हैं। जिस गुरु के पास कोई प्रतिमा या कोई चारित्र ना हो
तो उनके शिष्यों के पास फिर चारित्र या प्रतिमा कैसे होगी? और जो चारित्र या प्रतिमा का मूल नहीं जानते हैं वे फिर चारित्रवान और व्रतवान ऐसे मुनियों के बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों उनकी वंदना करेंगे? नहीं करेंगे, वे चारित्र की बात ही नहीं करते, वे तो मात्र पढ़ने पढ़ने की बात करते हैं। वे कहते हैं वर्तमान में कोई भी साधु सही आचरण वाला भावलिंगी है ही नहीं। जबकि यहाँ आचार्य स्पष्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी तो जो अगली गाथा आने वाली है 89 वो तो बहुत स्पष्ट लिखी है कुंद महाराज ने कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि महाराज हैं। अगर कोई कहे उस समय होंगे, आज की बात नहीं, नहीं आज भी हैं। आचार्यों ने लिखा है पंचम काल के अंत तक जो सम्यक दृष्टि मुनि महाराज भावलिंगी साधु हैं उनका सद्भाव हमेशा रहेगा। एक घटना मुझे आज भी याद आ जाती है, हमने भोपाल में शिविर लगाया तो भोपाल हमारे शिविर में रात्रि को शंका समाधान होता था। शंका समाधान हम जब करते थे तो 30-40 स्वाध्यायी लोग एक तरफ आके बैठते थे। उन्होंने एक दिन हमको एक स्लिप भिजवाई कि जरा इसका उत्तर दीजिए। स्लिप में लिखा क्या आप वर्तमान के मुनियों को पूज्य मानते हैं? हमने उनका उत्तर दिया, जरा ध्यान से सुनने वाला है। हम समझ गए किन लोगों ने ये प्रश्न किया है। हमने उन्हें उत्तर दिया वर्तमान के मुनि महाराजों को जो किसी को पूज्य नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। और दूसरी बात और सुनिए, और जो वर्तमान के सारे दिगंबर मुनियों को पूज्य मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। दोनों बात ध्यान में रखनी है। ये भी धारणा गलत कि वर्तमान में मुनि महाराज हैं ही नहीं, मुनि धर्म के पालन करने वाले नहीं, नहीं ये धारणा गलत, बिल्कुल गलत। हमने तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में आता जाता हूँ, क्या विशुद्ध चर्या, चौथे काल की चर्या वहाँ देखने को मिलती है। जाके देखें तो सही क्या चर्या है। वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ आचार्य और उनका संग, क्या बढ़िया संग है देखें। इसलिए मैंने उत्तर दिया बिल्कुल ठीक था जो वर्तमान के सभी साधुओं को पूज्य माने, क्योंकि वर्तमान में शिथिलाचारी साधुओं का भी सद्भाव है वो मिथ्या दृष्टि। और जो वर्तमान में सबको अपूज्य माने, कोई भी सही नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। मेरा उत्तर सुन के जितने वो 30-40 बैठे थे उन सबकी बोलती बिल्कुल चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोले। और सही बात भी है, यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे हैं कि इस भरत क्षेत्र में इस दुखम काल में भी धर्म ध्यान होता है, अर्थात ऐसे साधु महाराज हैं जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं। संख्या कितनी हो चरी चर्चा उसकी नहीं, पर सब चर्चा है सद्भाव की, और जो ढूंढता है उन्हें मिलते हैं। इन साधुओं को धर्म ध्यान वर्तमान में होता है। जो जीव मुनि अवस्था धारण करते हैं, निरंतर अपने रत्नत्रय का ध्यान रखते हैं, रत्नत्रय की पवित्रता बनाए रखते हैं, जो 28 मूल गुणों का आगम के अनुसार पूरा पालन करते हैं, जो पंच समिति और गुप्ती आदि के पालन में दत्त चित्त हैं, जिन्हें प्रति समय अपने चारित्र का ध्यान रहता है, ऐसे उचित सही आगम के अनुसार आचरण करने वाले जो मुनि महाराज हैं उनके लिए यहाँ शब्द दिया है अपसहाव ठिदे। ऐसे मुनि महाराज जब जब आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं उनके उच्च कोटि का धर्म ध्यान होता है। और वह धर्म ध्यान कैसा होता है, महान निर्जरा का कारण होता है। ये बात नहीं कि आजकल नहीं होता, वो आजकल होता है। और आजकल भी ऐसे ऐसे ध्यान करने वाले मुनिराज हैं जिनको देखकर पूर्व चतुर्थ काल के मुनि महाराजों का या विदेह क्षेत्र के मुनि महाराजों का ध्यान बनता है। इसलिए आत्म स्वभाव में स्थित रहने वाले या अपने चारित्र का पूर्ण ध्यान रखने वाले, अपने रत्नत्रय की पवित्रता का निरंतर ध्यान रखने वाले ऐसे मुनि महाराजों को आज भी धर्म ध्यान होता है, ये आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। पंडित जी मुनिराज उत्कृष्ट ध्यान के लिए क्या करते हैं? द्रव्य संग्रह की एक गाथा
बहुत अच्छी है। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम भी जेण हो ये थिरो अप्पा अपम्मी रहो इणमेव परम हवे ध्यानम। परम ध्यान कैसे होता है, आत्मा में लीनता की उत्कृष्ट अच्छी दशा कैसे बनती है, लिख रहे हैं आचार्य नेमचंद्र महाराज। माँ चिट्ठे शरीर से कोई भी चेष्टा मत करो, शरीर को एकदम स्थिर बना लो। माँ जंपह कोई भी बोलो नहीं उच्चारण नहीं, एकदम वचन गुप्ति पूरी मौन सहित बैठे। माँ चिंतह और कोई चिंतन ना करे। माँ चिट्ठ माँ जंपह माँ चिंतह किम भी जेण होए थिरो और इस प्रकार स्थिर होकर क्या करे, अप्पा अपम्मी रहो आत्मा को आत्मा में रथ कर दे लीन कर दे। चिंतन सिर्फ आत्मा का अन्य किसी पदार्थ का नहीं। अप्पा अपम्मी रहो इणमेव परम हवे ध्यानम, इस प्रकार परम ध्यान होता है। हम रोज पढ़ते हैं सामायिक पाठ में, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, समस्त विकल्प जाल राग द्वेष आदि परिणामों के जाल को दूर करके। कैसा है जाल, संसार कांतार निपात है तुम, संसार रूपी जंगल में गिराने में कारण है। विविक्त मात्मानुम अवेक्षमाणो, इनसे दूर होकर के अपनी आत्मा को देखो। निलीशे तुम परमात्म तत्वे, तुम परम शुद्ध आत्म तत्व में लीन हो जाओ। लेकिन ऐसी ध्यानावस्था कब बन सकती है, जब पहली बात तो मुनि अवस्था धारण की हो, दूसरी बात चारित्र का उत्कृष्ट पालन भी हो रहा हो, प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं हो, निवृत्ति की ओर ज़्यादा चिंतन हो। ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं, वे मुनि महाराज कभी एकांत में जब बैठ जाते हैं और जब ध्यान लगाते हैं, उनके उत्कृष्ट परम ध्यान बन जाता है। ऐसे मुनि महाराज आज भी हैं, आज भी ऐसे मुनि महाराजों का अभाव नहीं। हमें क्या करना चाहिए, जिन मुनि महाराजों की चर्या आगम के अनुसार हो, उन्हें बड़े भक्ति भाव से उनको प्रणाम नमस्कार करना, नमोस्तु करना चाहिए। आचार्यों ने बहुत सी बात लिखी है, बोध पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, ये मुनि महाराज मुनि नहीं, ये तो चलते फिरते अरहंत हैं, क्योंकि अरहंत भगवान भी तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे मुनि महाराजों को हम वंदना ना करें और मुनि मात्र से घृणा करें, उनमें दोषी दोष निकालने में अपनी सारी बुद्धि लगाए रखें, ये तो अपनी मनुष्य पर्याय को विफल करना नष्ट करना है। जो ऐसा करते हैं उनसे नम्र निवेदन है, अपना ये कार्य छोड़ें, चारित्र को धारण करें और चारित्रवानों की प्रशंसा उनकी संगति करें, तब उनको मालूम पड़ेगा चारित्र होता क्या है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी राकेश कुमार नीतू ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ B123 सिटी कॉलोनी जयपुर प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन विपिन कुमार संगीता जैन मुजफ्फरनगर निवासी प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल संजय दीपा जैन राजीव सोनिया जैन पूनम चंद सविता जैन मेरठ पंकज श्वेता जैन दिल्ली अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव आचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार अतुल जैन प्रेरणा जैन दीक्षा जैन एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली राजेश्वर जैन शशि जैन जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ध्रुव पर्थ नमिता धीरज गर्ग गुरुग्राम परिधि रिद्धिमान नेहा विकास जैन गुरुग्राम मीना विनोद अग्रवाल रोहिणी दिल्ली श्री मुनिंद्र कुमार जैन सरिता जैन अतुल जैन शिप्रा जैन आर्यन जैन मनीष जैन श्वेता जैन मीशा जैन मुजफ्फरनगर श्री राजेंद्र कुमार जैन श्रीमती मंजू जैन आशीष जैन मीना जैन पारस जैन स्वाति जैन समृद्धि जैन सिद्धि जैन शाश्वत जैन
जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी अहमदाबाद।